हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है जी आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? आई होप सो बहुत अच्छी चल रही होगी। आज स्क्रीन पे मैं विजिबल नहीं हूँ बिकॉज आई एम नॉट एट माई स्टूडियो। आज आपको सिर्फ एक मेरी वर्कशीट दिख रही है जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। दिस वीडियो इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जो कि अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं इन नवंबर 2019 में। सर, डर लग रहा होगा, डर लगना जेन्युइन है। डर से बिल्कुल भी नहीं घबराना बिकॉज डर के आगे ही क्या है, जीत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स का पेपर किस हिसाब का होने वाला है इन नवंबर 2019। क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या एक्सपेक्टेशन है। ये देखो, पहली चीज़ तो ये मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन है क्योंकि मैंने पास्ट के ट्रेंड को एनालाइज करते हुए कुछ एक्सपेक्टेशन निकाली है कि इस हिसाब का पेपर हो सकता है। वैसे मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे कुछ एक्सपीरियंस जो पास्ट कह रहा है उसके हिसाब से मैंने कुछ फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका अपना अपने ऊपर है कि आप इसको फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कीजिए, नहीं फॉलो करना चाहते नहीं कीजिए। लेकिन फिर भी मैं आपको ये एश्योरेंस दे सकता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ इसमें से आपको 70% लगभग आपको पेपर एग्जैक्टली मिल सकता है। ठीक है जी, चलिए फिर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि किस हिसाब से मैंने इसको एनालाइज किया है। एक बार मैं आपको उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने स्टार्ट किया जी मई 2018 से। देखिए जी, मई 2018 तीन अटेम्प्ट को रखा है जी, मई 2018, नवंबर 2018 एंड मई 2019। उसको यूज करके मैंने नवंबर 2019 में कुछ प्रिडिक्शन करी है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा दैट विल बी फ्रॉम AS। जैसा कि आपको पता ही है कि क्वेश्चन नंबर 1 AS से ही होता है। एक बार पहले मैं आपके साथ कुछ पेपर पैटर्न डिस्कस करता हूँ कि पेपर आता किस हिसाब से है। देखिए जी, आपका टोटल क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6 ये आपके क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका होता है जी कंपलसरी क्वेश्चन, और ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 20 मार्क्स का। ये कंपलसरी आपको करना ही करना है। इसमें इंस्टीट्यूट 5 क्वेश्चंस पूछता है 4 नंबर के, या फिर 4 क्वेश्चन पूछ सकता है 5 नंबर के। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट 4 क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 5 क्वेश्चन 4 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन हाँ जी, 90% चांसेस ये रहते हैं कि 5 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर के। उसके बाद आपके बचे 5 क्वेश्चन। इन पांच क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, एनी 4, जो कि 20 मार्क्स के होंगे। अब ये 20 मार्क्स कैसे डिवाइडेड होते हैं? कोई सिंगल क्वेश्चन भी हो सकता है 20 नंबर का, ये 10+10 का भी हो सकता है, ये 12+8 का भी हो सकता है, ये 15+5 का भी हो सकता है। इस हिसाब का क्वेश्चन पेपर आपका क्या होता है, डिवाइडेड होता है। जो एक क्वेश्चन नंबर 6 होता है, ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपके टोटल 5 पार्ट्स होते हैं 5 मार्क्स के, जिसमें से आपको एनी 4 कोई भी 4 करने होते हैं। इसमें इंस्टीट्यूट छोटे छोटे चैप्टर्स या कोई AS पकड़ लेता है, 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछता है 5, इसमें से आपको इंटरनल चॉइस होती है 4 क्वेश्चंस करने की। ये आपका एग्जाम में पेपर पैटर्न रहता है। तो इसी को ही यूज करते हुए हमने कुछ एनालिसिस किया है, एक बार देखते हैं क्या कहता है वो। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी क्वेश्चन AS से, मई 2018 में कौन कौन से AS पूछे गए? AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट, फॉरन एक्सचेंज वाला AS 11, डेफर टैक्स 22 एंड AS 5 नेट प्रॉफिट और लॉस वाला। नवंबर 18 में पूछे गए जी AS 10 11 1 एंड 4। मई 2019 में पूछे गए 16 13 5 12 4 एंड 2। और जहां तक कि नवंबर 2019 की अगर मैं बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि एक AS 10 से क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछेगा, AS 11 से पूछेगा, AS 22 से पूछ सकता है। अगर 22 इंस्टीट्यूट ने यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं पूछा तो वो क्वेश्चन नंबर 6 में डालेगा। देखिए जी, अगर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नंबर 1 में 22 नहीं पूछा तो वो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ सकता है। तो 22 को रिप्लेस कर दिया जाएगा यहां पर AS 17 से, देन AS 4 और 5 में से भी कोई भी किसी में से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, तो ये AS आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, AS 10 11 22 4 और 5, ये आपको बहुत अच्छे से कर लेने चाहिए। और 22 अगर क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा ही आएगा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर AS 17 से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूट ने मई 2018 में इन्वेस्टमेंट्स का क्वेश्चन पूछा था जी, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स से पूछा था। इंश्योरेंस क्लेम हमेशा आता है, इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक वाला पार्ट यहां से पूछा था। नवंबर 2019 में इन्वेस्टमेंट में शेयर्स प्लस बॉन्ड्स दोनों का था, एंड इंश्योरेंस क्लेम्स में अगेन लॉस ऑफ स्टॉक था। मई 2019 में हायर परचेज से क्वेश्चन पूछ लिया था इंस्टीट्यूट ने, देन इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑफ प्रॉफिट से।
इस बार मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मे 19 की अगर मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूट ने हायर परचेज 10 मार्क्स का इसलिए पूछा क्योंकि इन्वेस्टमेंट को उन्होंने AS 13 के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया था, AS बेस्ड क्वेश्चन पूछा था 5 नंबर का। तो इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि नहीं आया था, इन्वेस्टमेंट हमेशा आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो इस बार भी मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का एक 10 नंबर का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछेगा जिसमें शेयर्स प्लस डिबेंचर हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकता है, लेकिन शेयर प्लस डिबेंचर के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एंड इंश्योरेंस क्लेम में जहां तक मुझे लग रहा है इस बार इंश्योरेंस क्लेम में लॉस ऑफ स्टॉक के पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, वही अगेन एबनॉर्मल आइटम जिसमें आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह बनाते थे वो सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो 3 में आपसे May 18 में डिपार्टमेंटल पूछा गया था जिसमें डिपार्टमेंटल PNL अकाउंट बनाने के लिए पूछा था एंड ब्रांच में आपका स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से क्वेश्चन पूछा गया था। नवंबर 18 में सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आया था, फाइनल अकाउंट जो प्रॉपर सिंगल एंट्री बनाने थे 15 नंबर का फुल फ्लेज क्वेश्चन था क्योंकि वो बड़ा ही क्वेश्चन होता है, 15 या 12 नंबर तक का क्वेश्चन होगा, 10 नंबर में कवरेज लगता नहीं है वो। अगर 10 इंस्टीट्यूट पूछेगा तो उसमें से कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट पूछ सकता है जिसमें आपको 2 बैलेंस शीट्स बनानी होती है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को यूज करके आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन करोगे ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल की यूज करके। देन डिपार्टमेंटल में से उसने कमीशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको याद हो तो एक कमीशन बेस्ड क्वेश्चन होता था कि करेक्ट कमीशन निकालने के बाद आपको करेक्ट प्रॉफिट्स निकालने हैं क्योंकि कुछ कमीशन गलत होगी क्योंकि स्टॉक रिजर्व एलुमिनेटेड नहीं होता था, तो वो कैलकुलेशन आपसे पूछ सकते हैं। May 19 में उन्होंने सिंगल एंट्री अगेन फाइनल अकाउंट सिंगल एंट्री के पूछे थे 12 नंबर के एंड ब्रांच का फॉरन हेड ऑफिस वाला क्वेश्चन, फॉरन ब्रांच होता है और एक फॉरन हेड ऑफिस होता है, तो फॉरन हेड ऑफिस पूछा गया था 8 नंबर का। तो ये आपका पेपर May 19 का था। नवंबर 19 में अगेन यहां पर देखो फिक्स्ड है चीजें कि सिंगल एंट्री, डिपार्टमेंटल या ब्रांच, इन 3 चैप्टर में से कोई 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में 10-10 नंबर के। तो सिंगल एंट्री, डिपार्टमेंटल, ब्रांच, ये क्वेश्चन नंबर 3 के आपके पार्ट्स बनते हैं, तो ये तीनों आपको अच्छे से कर लेने चाहिए, नहीं छोड़ना इन्हें। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो 4th में आपका डिसोल्यूशन से ही हमेशा क्वेश्चन आ रहा है। अगर मे 18 में देखे तो डिसोल्यूशन सेल टू द कंपनी वाला था, उसमें क्या था कि फर्म कंपनी ने फर्म को खरीद लिया है या फर्म बिक गई है टू द कंपनी, ये वाला क्वेश्चन था, और एक 5 नंबर का LLP की थ्योरी से क्वेश्चन आ गया था। नवंबर 18 में डिसोल्यूशन पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था 20 नंबर का फुल फ्लेज क्वेश्चन क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन होता है, लेंथी क्वेश्चन होता है। May 19 में डिसोल्यूशन में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी भी था, उसमें एडमिशन भी पूछ लिया इंस्टीट्यूट ने, देन कन्वर्जन हो गई थी फर्म टू द कंपनी, ये वाला क्वेश्चन था। नवंबर 19 में मुझे लगता है इंस्टीट्यूट दोबारा पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन पूछ सकता है, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है कि पीसमिल ही पूछेगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि पीसमिल आने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फुल फ्लैश डिसोल्यूशन करके जाइएगा क्योंकि वो डिसोल्यूशन से ही आएगा, और साथ साथ डिसोल्यूशन में आप LLP की थ्योरी इंक्लूड कर लीजिएगा क्योंकि LLP से भी क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जा सकता है। अगर यहां पर इंस्टीट्यूट नहीं पूछेगा LLP की थ्योरी तो चांसेस होंगे वो लास्ट क्वेश्चन में आपसे कोई थ्योरी क्वेश्चन LLP का पूछ सकता है, तो उसको अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 और बहुत ही ईजी होता है, बच्चे गड़बड़ी में छोड़ भी जाते हैं, ये नहीं छोड़ना चाहिए। एक प्री एंड पोस्ट का क्वेश्चन हमेशा 10-10 नंबर का आ ही रहा है, देखिए जी मे 18 में भी आया, नवंबर में भी आया, मे 19 में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आया, एंड नवंबर 19 में मुझे लगता है कि प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन या रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। एंड इस बार मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट हो सकता है फाइनल अकाउंट से भी क्वेश्चन पूछ ले, जहां वो शेड्यूल 3 वगैरह बनाते हैं ना, तो इंस्टीट्यूट पूछ सकता है कि शेड्यूल 3 का PNL अकाउंट बनाओ, फुल फ्लेज वो क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो शेड्यूल 3 की आपसे फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है जी, उसके बाद इसका जो सब पार्ट रहेगा 10 नंबर का, उसमें रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मे 18 में आया, नवंबर 18 में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आया, मे 19 में कैश फ्लो स्टेटमेंट आया, एंड नवंबर 19 में मुझे दोबारा लगता है कि 10 नंबर का एक रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का क्वेश्चन बन सकता है, अगेन वही सिंकिंग फंड वगैरह का जो टॉपिक्स होते थे DRF DRFI या सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, 6 में आपका सब पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं जी, 5 पार्ट्स होते हैं, 5 में से कोई भी आपको 4 करने होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं, 5 नंबर के से इसमें से आपको कोई भी 4 करने होते हैं। इसमें आपको फ्रेमवर्क तो हमेशा पूछा जाता ही जाता है, देखिए जी मे 18 में ये रहा फ्रेमवर्क, नवंबर 18 में फ्रेमवर्क, मे 19 में फ्रेमवर्क, एंड नवंबर 19 में अगेन ये रहा फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क का टॉपिक आपको करना है, थ्योरिटिकल टॉपिक है, ये आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। देन बोनस इशू पूछा गया था मे 18 में, नवंबर 18 में आपसे एक थ्योरी क्वेश्चन और आया था, ये मेरे ख्याल से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन था,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई पर्टिकुलर एस पे नहीं था, एक जनरल क्वेश्चन था कि एडवांटेजेस या ऑब्जेक्टिव्स वगैरह से रिलेटेड था, मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा। मई 19 में आपका क्वेश्चन आया था, फ्रेमवर्क के साथ साथ इन्होंने पार्टनरशिप की थ्योरी भी डाली थी, और नवंबर 19 में मुझे लगता ऐसा लगता है कि फ्रेमवर्क के साथ साथ अगर देखो प्री एंड पोस्ट का क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर का आया, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स या फिर फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन 5 नंबर का पूछ सकता है। फाइनल अकाउंट्स में से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इफेक्टिव कैपिटल, वो जो मैनेजरियल रेमुनरेशन था जिसमें कुछ अमेंडमेंट भी है, तो वो आपको अच्छे से कर लेनी चाहिए, उसमें क्वेश्चन बन सकता है। एंड नहीं तो फिर आपका रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन भी बन जाएगा। और अगर रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर इंस्टीट्यूट ने 10 नंबर का यहाँ पर पूछ लिया, तो प्री एंड पोस्ट का 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। वैसे रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर का 10 नंबर का क्वेश्चन पिछले अटेम्प्ट में आया था, तो इस बार आने के कम चांसेस है। इस बार प्री एंड पोस्ट का 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और 5 नंबर का क्वेश्चन मुझे जहां तक लग रहा है फाइनल अकाउंट्स कई बार से नहीं आ रहा, तो फाइनल अकाउंट्स में इफेक्टिव कैपिटल मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी। उसके बाद एक आपका इस बार मुझे लगता है कि अगर मैं पास के ट्रेंड को देखता जाऊं, तो रिडेम्पशन डिबेंचर हमने यहां कवर ऊपर कवर कर लिया। एएस का क्वेश्चन देखिए जी, एएस 17 यहां पर आया मई 18 में 5 नंबर का, नवंबर 18 में एएस 11 आया 5 नंबर का, मई 19 में एएस 2 आया 5 नंबर का, नवंबर 19 में मुझे ऐसा लगता है एएस 17 या एएस 22, अगर ऊपर एएस 22 इन्होंने कंपलसरी क्वेश्चन में कवर कर लिया तो एएस 17 यहां पूछेगा, और अगर एएस 17 यहां पर कवर कर लिया तो एएस 22 यहां पूछेगा, और ये पूछेगा ही पूछेगा। एक और चीज ध्यान देखिएगा, AS 17 का क्वेश्चन इस बार आएगा क्योंकि अगले अटेम्प्ट में मई 20 अटेम्प्ट से AS 17 को ग्रुप 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। जैसे कि आपको अवेयरनेस होगी कि मई वाले अटेम्प्ट में थोड़ा कोर्स रिड्यूस हो गया है, तो जो चैप्टर्स डिलीट हो गया उनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे डिसोल्यूशन हट गया है तो डिसोल्यूशन से क्वेश्चन आएगा, आपका AS 17 हट गया है, 22 हट गया है, इनमें से क्वेश्चन आएगा, AS 4 5 हट गए हैं, इनमें से क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको अच्छे से कर लेने चाहिए। क्योंकि जो चैप्टर देखो जिनकी जिनकी लास्ट चांस है उनसे तो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा ना। ठीक है जी, बड़ा लेम जोक था फिर भी चलेगा। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन 5 नंबर का आया था मई 18 में, नवंबर 18 में कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया ही नहीं था, मई 19 में कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन एक 10 नंबर का आया था। तो इस बार मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट 5 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछ सकता है। उसमें बेसिकली 5 नंबर में क्या पूछा जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, आइडेंटिफाई करना होता है वेदर इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, या फिर वो कैलकुलेशन बेस भी पूछ सकता है, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग डायरेक्ट मेथड। इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं होगा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप 5 नंबर के हिसाब से इस अटेम्प्ट के लिए तैयार करके चलिएगा। Then, इस बार मुझे लगता है बोनस इशू का क्वेश्चन भी आने के चांसेस है 5 नंबर में, और एएस वाली बात मैंने आपको बताई दी है। तो इस पूरी वीडियो का, इस पूरे एनालिसिस का क्रक्स मैंने अभी आपके सामने निकाला है, वो मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। देखिए जी, ये रहा इसका क्रक्स। क्या क्रक्स कहता है देखिए, अगर मैं एएस की बात करूं तो एएस 10 11 22 4 और 5 ये मुझे लगता है कि कंपलसरी क्वेश्चन में इस बार पूछे जाएंगे, AS 10, 11, 22, 4 और 5 तो ये आपको अच्छे से करने चाहिए, ये तो आपको कंप्लीटली करने चाहिए। AS 10 आएगा ही आएगा, 11 आता ही आता है, 22 का लास्ट चांस है तो 22 पूछेगा, 4 का लास्ट चांस है 4 पूछेगा, नहीं तो 5 पूछ लेगा। 4 और 5 में से कोई भी एक वो पूछ सकता है क्योंकि 4 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है यहां पर। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कंफर्म है जी, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एंड इंश्योरेंस क्लेम के क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो अच्छे से कर लीजिएगा। इंश्योरेंस क्लेम तो हमेशा आता है, इस बार मुझे लगता है लॉस ऑफ स्टॉक आएगा, फिर भी लॉस ऑफ प्रॉफिट छोड़िएगा मत, लॉस ऑफ प्रॉफिट को भी एक बार ओवरव्यू देके जाइएगा, लेकिन लॉस ऑफ स्टॉक के चांसेस ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है, एएस बेस इस बार क्वेश्चन हो सकता है ना पूछे। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर में से जी, सिंगल एंट्री, डिपार्टमेंटल एंड ब्रांच। ब्रांच में या तो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड पूछेगा इंस्टीट्यूट, या फिर ब्रांच में अगर पूछता है तो ब्रांच में फॉरेन ब्रांच पूछ सकता है। लास्ट टाइम उन्होंने फॉरेन हेड ऑफिस पूछ लिया था, तो इस बार फॉरेन ब्रांच या फिर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड प्रॉपर क्वेश्चन पूछ सकता है। डिपार्टमेंटल अगर पूछा इंस्टीट्यूट ने तो कमीशन वाला लास्ट टाइम आ चुका, तो इस बार आपके पास प्रॉपर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाने के लिए आ सकता है। एंड सिंगल एंट्री अगर पूछा, अगर सिंगल एंट्री 12 नंबर का पूछा तो 12 नंबर का तो प्रॉपर फाइनल अकाउंट आएगा, और अगर सिंगल एंट्री इंस्टीट्यूट ने 8 या 10 नंबर का पूछा तो सिंगल एंट्री में हो सकता है वो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स पूछ ले, तो आपको वो भी कर लेनी चाहिए। डिसोल्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिसोल्यूशन में सर पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन इस बार पूछे जाने के चांसेस हैं, लेकिन ये नहीं मैं कह रहा कि बाकी छोड़ दीजिएगा, पीसमिल के चांसेस ज्यादा है, बाकी भी आपको करना ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का इस बार मुझे क्वेश्चन लग रहा है कि 10 नंबर का रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आने के चांसेस हैं, और या फिर प्री, और ये तो आएगा ही आएगा 10 नंबर का, और दूसरा जो इसका पार्ट होगा उसमें प्री एंड पोस्ट मुझे लग रहा है कि इस बार शायद 10 नंबर का पूछा जाए,
रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर के चांसेस कम है क्योंकि लास्ट टाइम 10 नंबर का पूछ लिया गया था, या फिर फाइनल अकाउंट्स भी 10 नंबर का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट इस बार शायद नहीं बना सकता क्योंकि वो लेंदी क्वेश्चन होता है और अगर इतना लेंदी बना दिया तो पेपर छूट जाएगा। तो इस बार मुझे जहां तक लगता है कि प्री एंड पोस्ट 10 नंबर का एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 10 नंबर के, ये दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फ्रेमवर्क का क्वेश्चन, सर करके जाइएगा चैप्टर को, बच्चे छोड़ जाते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, उसको अच्छे से कर लेना चाहिए, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें बनते ही 3 क्वेश्चन है, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं जी, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं जी, एंड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है जिसमें आपको ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाना होता है या बैलेंस शीट बनानी होती है, एज्यूमिंग गोइंग कंसर्न और नॉट गोइंग कंसर्न। आई होप सो आपको कुछ याद होगा अगर किसी ने चैप्टर पढ़ाया तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो फ्रेमवर्क का चैप्टर सर मुझे तो बहुत पसंद है, आपको नहीं छोड़ना चाहिए। प्री एंड पोस्ट, अगर यहां पर इंस्टीट्यूट ने 10 नंबर का पूछ लिया तो नीचे जो पूछे जाने के चांसेस बनते हैं दैट इज योर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या फिर फाइनल अकाउंट्स। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या फिर फाइनल अकाउंट्स में से 5-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में से 5 नंबर का क्वेश्चन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन फिर भी बन जाता है, कोई भी 2-3 एडजस्टमेंट पूछ सकता है, वो ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं देगा, उसमें बोनस इशू डाल के नहीं देगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर मैं फाइनल अकाउंट्स की बात करूं, फाइनल अकाउंट में तो सर 5 नंबर के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लाइक मैनेजीरियल रेमुनरेशन या फिर सेक्शन 198, अगर आपको याद हो तो सेक्शन 198 में कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स होती थी, वो पूछ सकता है, या शेड्यूल वी पूछ सकता है ऑफ द कंपनीज एक्ट जिसमें आपको लिमिट्स है, जिसमें अमेंडमेंट्स भी हैं, तो वो आपको कर लेनी चाहिए, उसके क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार 5 नंबर का, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी बिटवीन ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बोनस इशू का क्वेश्चन आ सकता है या फिर राइट इशू कई बार से नहीं आ रहा, तो जिसमें वैल्यू ऑफ राइट निकालते थे, एक्स राइट, एमपीएस वगैरह, ये सब चीजें आपको कर लेनी चाहिए, फॉर्मुलेज ही हैं, वो आपको लर्न करने चाहिए और इस बार क्वेश्चन में प्लेस कीजिए फॉर्मुले और 3 नंबर पाइए, तो वो आपको कर लेने चाहिए। देन बोनस इशू की अगर मैं बात करूं तो बोनस इशू इस बार आने के चांसेस बन रहे हैं, 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन। उसके बाद AS 17 और AS 22 आपको कर लेना चाहिए। AS 17 अगर AS 22 इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ लिया तो AS 22 नीचे नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं पूछेगा, और AS 17 यहां पर पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। ठीक है जी, तो ये मेरे हिसाब से कुछ एनालिसिस था अबाउट पेपर की, आपका किस टाइप से पेपर रहेगा। अब बात आती है कि सर कौन से चैप्टर हम छोड़ सकते हैं। देखिए, छोड़ना अपने रिस्क के ऊपर है, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको कुछ छोड़ना चाहिए, लेकिन स्टिल मैं आपको थोड़ी सी एडवाइस ये दे सकता हूं कि आपको किस हिसाब से प्लानिंग कर लेनी चाहिए। देखो, स्मार्ट वर्क करोगे तो कुछ बात मिलेगी, हार्ड वर्क तो सब करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क करने के बाद अब हमें आदत पड़ जानी चाहिए स्मार्ट वर्क को निकालने की, कैसे हमें स्मार्ट वर्क करना है। देखिए जी, AS कभी भी नहीं छोड़ने, AS तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि सर AS तो कंपलसरी क्वेश्चन है, वो हम छोड़ भी कैसे सकते हैं। और जब आपने AS कर ही लिए तो क्वेश्चन नंबर 6 में AS का क्वेश्चन आप डील कर ही लेंगे। जब AS पढ़ोगे तो सारे ही पढ़ोगे ना, ये थोड़ी ना कि सिलेक्टेड हो जाओगे AS में, नहीं जी, थोड़े से AS से सारे पढ़ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में एक बेनिफिट तो क्या है कि आपके पास इंटरनल चॉइस है, प्लस इसमें आपके छोटे छोटे चैप्टर्स बनते हैं। फ्रेमवर्क जरूर करिए, प्री एंड पोस्ट बहुत इजी चैप्टर है, जरूर कीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूर करना चाहिए, फाइनल अकाउंट्स में अगर बनता है तो ये टॉपिक्स कर लेने चाहिए आपको, मैनेजीरियल रेमुनरेशन, 198, शेड्यूल वी वगैरह, बोनस इश्यू, छोटे छोटे चैप्टर्स इंस्टीट्यूट यहां से पूछ सकता है, तो यहां पर आपको इन चैप्टर्स को डील करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये कभी भी मत छोड़िएगा क्योंकि ये चैप्टर इजी होते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इंश्योरेंस क्लेम, छोटे छोटे से चैप्टर हैं सर, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं, इनको जरूर कीजिएगा, इनको नहीं छोड़ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन सर प्री एंड पोस्ट, यहां पर नहीं पूछा तो वहां पूछ लेगा, वहां नहीं पूछा तो यहां पूछ लेगा, तो इनको आपको करना चाहिए। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फाइनल अकाउंट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये जरूर कर लीजिएगा। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मैं कह सकता हूं थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, लेकिन सर मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है जी, अब बात आती है सर आपने सब कुछ तो बोल दिया, फिर चॉइस क्या रखनी है। देखो, चॉइस आपको मेरे हिसाब से इन्हीं 2 क्वेश्चन में चॉइस करनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में से। या तो आप डिसोल्यूशन को थोड़ा सा लाइट रख सकते हो, नहीं तो आप क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास छोड़ने के चांसेस है, जैसे सिंगल एंट्री आ सकता है उसमें, डिपार्टमेंटल या ब्रांच, तो इन चैप्टर्स को थोड़ा सा लाइट रख सकते हो। ठीक है जी, बट फिर भी अपने रिस्क पे है क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने डिसोल्यूशन अच्छा कर लिया और आपने ये 3 चैप्टर छोड़ दिए,
सर भूल के भी मत कीजिएगा ये गलती कि सिंगल एंट्री डिपार्टमेंटल ब्रांच तीनों बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, एक चैप्टर को लाइट रख लो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब सर इन चार चैप्टर में से, ये सिंगल एंट्री डिपार्टमेंटल ब्रांच और डिसोल्यूशन, इन चार में से एक चैप्टर को लाइट रख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा मत करना कि सर मैंने डिसोल्यूशन तो अच्छे से पढ़ लिया लेकिन ये तीनों छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं सर, हो सकता है डिसोल्यूशन का ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए तो मजबूरन आपको ये करने पड़ेंगे ना, और इनमें से अगर आपने छोड़े हुए हैं तो आपका ये क्वेश्चन भी गया और वो क्वेश्चन भी गया। डिसोल्यूशन आपको मुश्किल लग रहा है, क्वेश्चन थ्री आपने पढ़ा ही नहीं है, तो सर आपका गया 20 नंबर का पेपर। 80 में से फिर आप उम्मीद करोगे कि 60 आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे, पॉसिबल नहीं होता। ठीक है जी, तो मैं ये कहूंगा कि आपको इन चार में से कोई एक चैप्टर लाइट रख लेना चाहिए। जैसे अगर बच्चे ने डिसोल्यूशन को लाइट रखा हुआ है तो उनको ये चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सिंगल एंट्री डिपार्टमेंटल या ब्रांच, या अगर आपने सिंगल एंट्री डिपार्टमेंटल ब्रांच में ब्रांच को लाइट रखा हुआ है तो आपको डिसोल्यूशन तो अच्छे से करना ही करना है, और उसके बाद सिंगल एंट्री और ये वाला क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड आपका इसका जो ऑप्शन वाला पार्ट हो सकता है वो बहुत ईजी हो। ठीक है, तो देख लीजिएगा, एनालाइज आपको खुद करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, लेकिन मेरे हिसाब से चॉइस रहनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई चॉइस मत रखिएगा, 1, 2, 5 और 6 ये जरूर आपको पेपर में अटेम्प्ट करने हैं अगर आपको अच्छे नंबर अकाउंटिंग में चाहिए तो। ठीक है जी, अब एक बार छोटी सी डिस्कशन और कर लेते हैं कि पेपर हमें किस हिसाब से अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए, जो फर्स्ट 15 मिनट्स होते हैं उनको बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिएगा। इसमें आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ना है, सिलेक्शन करनी पड़ेगी, जो क्वेश्चन आपको लीव करना है, जो क्वेश्चन आपको छोड़ना है उसकी सिलेक्शन करनी है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। अगेन फिर वही बात सर, क्वेश्चन नंबर 3 या फिर क्वेश्चन नंबर 4, या देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पक्के नहीं है, लेकिन जिसमें डिसोल्यूशन हो या जिसमें सिंगल एंट्री डिपार्टमेंटल और ब्रांच के क्वेश्चन हो, इनमें से चॉइस रखिएगा, वरना और किसी में से चॉइस नहीं रखनी आपको, क्योंकि बाकी चैप्टर में से ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बन सकते, वो इजी होते हैं, वो आपको अच्छे से कर लेने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट 15 में आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन वो हटा देना है जो आपको नहीं करना, और उस पर इमीडिएटली क्रॉस लगा दीजिएगा, और एक बार जो आपने डिसीजन ले लिया उसको बाद में रिवोक मत कीजिएगा, जो आपने डिसीजन ले लिया स्टे टू दैट डिसीजन। ठीक है जी, क्योंकि पेपर वैसे ही लेंदी होता है, आपने एक बार सोच लिया कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ूंगा और फिर आप पेपर करते करते आपको लगता है नहीं क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर ले तो 4 छोड़ दूंगा, सर वो आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। ठीक है जी, तो आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, प्रॉपरली वाइजली स्मार्टली पेपर अटेम्प्ट करना है। नीट एंड क्लीन पेपर कीजिएगा सर, वर्किंग नोट्स अच्छे से बनाइएगा, वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्किंग नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं। कई कई बार हमें अजम्पशंस देनी पड़ती है तो अजम्पशंस जरूर दीजिएगा, अजम्पशन के भी मार्क्स होते हैं। जहां पर आपको फॉर्मेट्स की रिक्वायरमेंट है तो फॉर्मेट्स दीजिएगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, जहां आपको जैसे क्वेश्चन आ गया जनरल एंट्रीज का, तो पहले आप एंट्रीज डाल दीजिए, जैसे एंट्री आपने डाल दी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये क्या एंट्री बनी वैसे, ये एंट्री बनी सर इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री एट प्रॉफिट। ठीक है, आई होप सो आपको पता होगी ये सर जी। ठीक है, तो आपने जब ये एंट्री डाली इसकी नरेशन दीजिए, दैट्स इट। ये नहीं है, मैं आपको कह रहा कि प्रॉपर फॉर्मेट बनाइए डेबिट क्रेडिट, वो आप बाद में बनाइए, पहले आप पेपर पूरा कर दीजिए, उसके बाद एंड में आप देखिए जी मेरे को क्या कहां पर फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन नरेशन जरूर दीजिएगा, क्योंकि नरेशन नहीं दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, फॉर्मेट नहीं दोगे तो वो रिस्क है, कट भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, तो फॉर्मेट्स का इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि फॉर्मेट बनानी है, लेकिन नरेशन देनी मस्ट है। ठीक है जी, नीट एंड क्लीन साफ सुथरा पेपर कीजिएगा, एक पेपर एक पेज पे एक ही क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया तो 1 अगर आपका 3 पेज में जा रहा है तो 3 पेज में सर उसको कंप्लीट कीजिए, ये आपका पेज नंबर 1 हो गया, पेज नंबर 2 हो गया और पेज नंबर 3 हो गया। अगर पेज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर कंप्लीट होता है, मतलब हाफ पेज पे कंप्लीट होता है, तो सर उतनी स्पेस को छोड़ दीजिएगा, नीचे से आपको बीच में क्वेश्चन शुरू नहीं करना है, लिखिए उस पर प्लीज टर्न ओवर, एग्जामिनर को पता लग जाएगी पीछे बच्चे ने क्वेश्चन किया, लेकिन पीडीओ जरूर लिख दीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज से साफ साफ शुरू कीजिए क्वेश्चन नंबर 2, मतलब जब भी आप नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो वो एक न्यू पेज से आपका स्टार्ट होना चाहिए, और एक सीक्वेंस मेंटेन करके चलिएगा। ऐसा मैं आपको नहीं कर रहा है 1 से शुरू करना है या लास्ट से शुरू करना है, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता हो, क्योंकि देखो शुरुआत अच्छी होगी तो आगे जाके काम अच्छा बनेगा, अगर आपने शुरुआत ही बेकार कर दी तो पेपर पूरा खराब ही होता चला जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन अच्छे से आता हो उसको सबसे पहले कीजिएगा, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से आता है तो क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, लेकिन एक सीक्वेंस मेंटेन करिएगा। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट आपने किया, फिर क्वेश्चन 3 का बी किया, फिर क्वेश्चन 4 का ए किया, सर वो बहुत ही अनटाइडी लगता है, वो बहुत ही ज्यादा अनटाइडी लगता है। तो एक सीक्वेंस मेंटेन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट किया तो ए पार्ट पूरा कंप्लीट कर दीजिए। ऐसा हो सकता है कि आपको ए पार्ट ना आता होता है, लेकिन फिर भी हमें इतना आइडिया होता है कि हमें कितनी स्पेस छोड़नी है, तो लीव दैट स्पेस। अगर आपको लगता है कि एक पेज की स्पेस चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट लिखा, स्पेस तो छोड़ दीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाइए, बी पार्ट पे आ जाइए। तो इस हिसाब से आपको अपना पेपर प्रॉपरली प्रेजेंट करना चाहिए।
टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर अकाउंटिंग। और मैं दोबारा बता रहा हूँ सर, ग्रुप वन में अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो अकाउंटिंग ही एक ऐसा पेपर है जो आपको अच्छा स्कोर करवा सकता है, प्रोवाइडेड आपकी तैयारी आपने अच्छे से करी हो। ठीक है जी, चलिए फिर, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो मैंने अभी पीडीएफ वर्कशीट बनाई थी ये वाली, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके एक एनालाइज कर सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं कि किस हिसाब से बनाई गई है। ठीक है जी, तो मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं आपको एक बार थोड़ा ओवरव्यू दे पाऊं कि कैसा आपको अकाउंटिंग का पेपर होने वाला है, कौन कौन से टॉपिक इस बार के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो सर इसको लाइक कर दीजिए, एक लाइक टारगेट रख लेते हैं छोटा सा, 150 लाइक्स का टारगेट रख लेते हैं, अभी चैनल इतना बड़ा नहीं हुआ है तो सिर्फ 150 लाइक्स का मैं टारगेट रखूंगा कि आई होप 150 लाइक्स इस वीडियो पे मिलेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। ठीक है जी, चलिए जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।